दोस्तों, अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किया है और वो आपके पास आ चुका है और उस प्रोडक्ट में अब आपको कुछ कमी लग रही है या फिर कुछ खराबी है, किसी भी वजह से आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं और अपने पैसों को वापस पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो कैश ऑन डिलीवरी पे अपना ऑर्डर मंगवाते हैं उसमें अगर कुछ कमी होती है, वो अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो वो रिटर्न की जगह रिप्लेसमेंट का ऑप्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा अटक जाता है और उसके सामान को बदल के नया सामान दे दिया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपने फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी पर कोई भी प्रोडक्ट मंगवाया है और आप उसे रिटर्न करके अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आपका मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको आपका फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको माय ऑर्डर के सेक्शन में आ जाना है। सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक अमेरिकन टूरिस्टर का 55 cm का एक ट्रॉली बैग ऑर्डर किया था, तो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। और इसके लिए इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे दो ऑप्शन मिल जाता है, रिटर्न और नीड हेल्प का। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे रीज़न पूछा जा रहा है कि आप किस वजह से इस चीज़ को, जो भी प्रोडक्ट हो उसको आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी रीज़न हो आप इसको डाल देंगे और यहाँ पे आप एक कमेंट डाल देंगे, मतलब यहाँ पे मेरा साइज़ छोटा है बैग का, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइज इज़ नॉट इनफ। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आपको इसके साथ जो बैग, मतलब जो क्वार्टर भेजा गया था, मतलब जिस पैकिंग में आया था, वो पैक अभी इसके आपके पास है या नहीं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिफ़ंड या एक्सचेंज का। तो यहाँ पे आप अगर रिफ़ंड चाहते हैं तो आप रिफ़ंड पर क्लिक करेंगे और इस रिफ़ंड को आप अपने बैंक अकाउंट में या फिर आप फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर के तौर पर भी ले सकते हैं। तो मुझे बैंक अकाउंट में चाहिए, तो इसके ऊपर आपको बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैंने पहले से अपना बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह डाला हुआ है, तो इसके ऊपर आपको सिंपल सा कर देना है क्लिक। और यहाँ पे नीचे बस आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक होने के बाद जैसे ही ये रिटर्न अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो पिकअप कर लिया जाएगा। और उसके पिकअप होने के 24 से 48 घंटे के बाद आपका जो जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो भी बैंक अकाउंट आपने इसमें डाला हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा अपने एक नए और कमाल धमाल वीडियो के साथ।